हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाली है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, सबसे पहले बात तो ये हमारी सीरीज की लास्ट वीडियो है। इसके अंदर ये लास्ट वीडियो क्या है, अपने चैनल को कैसे मोनेटाइज किया जाता है, तो इसमें मैंने कंप्लीट बताया है कि यूट्यूब की एल्गोरिथम के बारे में इसमें डिस्कस करूंगा और भी बहुत सारी डिस्कशंस में इसके अंदर वीडियो में करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूट्यूब की जो एल्गोरिथम है 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 घंटे वॉच आवर्स होना बिल्कुल जरूरी है। उसी के बाद आप अपने चैनल को अप्लाई के लिए भेज सकते हैं, फिर वहां से कुछ टाइम 2 से 4 दिन वो लेगा तो वहां से रिवर्ट आ जाएगा और वो आपका चैनल चेक करने में लगा देगा कि जो आपका कंटेंट है वो जेन्युइन है या फिर आपने किसी का उठा करके डाला है। तो वो यूट्यूब कम से कम 1 वीक लेता है आपके रिव्यू के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहता हूं। मेरा एक फ्रेंड था, उसका एक पहलवानी का चैनल था और उसने ना दूसरे का कंटेंट उठा करके अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, तो उस पर व्यूज़ बहुत अच्छे चले गए। उस वीडियो ने वो वीडियो ट्रेंडिंग में थी और उस वीडियो ने उनके 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट करा दिया। जैसे ही उन्होंने अपने चैनल को रिव्यू के लिए भेजा तो यूट्यूब वालों ने चैनल मोनेटाइजेशन करने से मना कर दिया और अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप 30 दिन के बाद फिर से आप अप्लाई कर सकते हो। वो स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ क्या यूट्यूब की तरफ से आया था और उन्होंने बोला है कि मतलब दूसरे का कॉन्टेंट नहीं डालना है, इस वजह से उन्होंने चैनल मोनेटाइज नहीं किया। तो दोस्तों ये मतलब 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 घंटा वॉच टाइम होना बहुत जरूरी है अगर जो आपको अपना चैनल मोनेटाइज कराना है। कंटेंट आपका अपना होना चाहिए। अगर आप भी इसी तरह का दूसरे का कंटेंट उठा करके अपने चैनल पर अपलोड कर दोगे तो आपको भी इस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो बहुत खुश था कि किसी तरह उसका चैनल मोनेटाइज हो जाए तो थोड़ा सा वो भी चाहता है कि अर्निंग होनी शुरू हो, लेकिन उन्होंने दूसरे का कंटेंट से अपने चैनल को उठाया है तो उससे उनका नुकसान ही हो गया। लेकिन मैंने उनको समझाया है कि अब अपना कंटेंट डालना है, ठीक है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना कंटेंट डालो, दूसरे की वीडियो डाल करके अपने चैनल को मोनेटाइजेशन की उम्मीद मत रखना। तो अगर आप ये सोचते हो कि दूसरे का कंटेंट उठा करके अपने चैनल पर अपलोड कर दोगे और मोनेटाइज हो जाएगा, आपकी फेस वैल्यू नहीं बनेगी, आप अपना ब्रांड बिल्डअप नहीं कर सकते, इसलिए आप अपना खुद का फेस वैल्यू बनाओ और खुद का कंटेंट क्रिएट करो, उसी के बाद चैनल पर अपलोड करो। और अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी आपसे कॉन्टैक्ट करती है कि हम आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा देंगे, आपका वॉच टाइम कंप्लीट करा देंगे, तो प्लीज उनके चक्कर में मत पड़ना, आपका चैनल और डेड हो जाएगा। जो स्थिति आपकी अब है चैनल की वो उससे भी ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप उसको अपने चैनल को रिव्यू में भेजेंगे यूट्यूब को, तो आपका यूट्यूब समझ जाएगा कि इसने ये व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स और जितने भी आपका वॉच टाइम है ये बाहर से लिया हुआ है, इसका जेन्युइन कुछ नहीं है, तो आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं करेगा और आपका चैनल भी टर्मिनेट हो सकता है। आप कितने टाइम से अपने चैनल पर मेहनत करते हो और जब आपको लगता है यार व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, वॉच टाइम नहीं आ रहा, तो आप किसी थर्ड पार्टी को कॉन्टैक्ट करते हो, कभी वो कॉन्टैक्ट करते हैं तो कभी आप भी कॉन्टैक्ट करते हो और उनसे बोलते हो भाई सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए, वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुए, व्यूज़ नहीं आ रहे, तो वो आपसे डील करेगा कि मैं आपको 5 से 6 हज़ार रुपये में ये आपकी टोटल यूट्यूब की जो एल्गोरिथम है मैं कंप्लीट कर दूँ, आपके 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 घंटे वॉच टाइम। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ उन चक्रों में ना पड़ो, आप अपने चैनल को खो दोगे। आज नहीं खोओगे तो कल किसी ना किसी तरह से वो चला जाएगा, मोनेटाइज भी नहीं होगा। आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप इतने पैसे भी दोगे तो क्यों ना मतलब उस पैसों को अपने पास रख के एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करो, एक अच्छा माइक लाओ, अच्छा मोबाइल भी ले सकते हो आप 5-6 हज़ार रुपये में, रिंग लाइट ले सकते हो, मतलब 5 से 7 हज़ार रुपये में, 10 हज़ार रुपये में आपका अच्छा खासा सेटअप बन जाएगा। तो अच्छा कंटेंट क्रिएट करो, अच्छा कंटेंट आप सामने वाले को प्रोवाइड कराओ, क्यों ना आपकी वीडियो को लाइक करेगा तभी तो। अगर जो आप ऐसे ही कंटेंट डाल दोगे उठा उठा करके तो कैसे चैनल मोनेटाइज होगा। तो आप अच्छा कंटेंट डालो, आपको लोग लाइक करेंगे, आपकी फेस वैल्यू बनेगी, आपका ब्रांड बिल्डअप होगा। दोस्तों मैंने आपको बताई है कि किस तरह से आप अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हो और 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 घंटा वॉच टाइम होना जरूरी है और किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में मत आना क्योंकि आप अपना लॉस कर लोगे। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये सीरीज की हमारी लास्ट वीडियो है और अभी बहुत जल्दी हमारी और भी सीरीज आने वाली है। तो प्लीज़ अगर जो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।